तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और मेरी न्यू वीडियो में DDE की। तो दोस्तों, लास्ट अपडेट मैंने आपको पावी तक दी थी, ये है पावी चौक। और अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों पावी चौक से मंडोला विहार की तरफ। तो यहाँ से आगे का दोस्तों आज मैं आपको काम दिखाने वाला हूँ, क्या क्या काम हो गया है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का फेज़ टू का जो ये काम है दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पिलर है इनकी कैपिंग का जो काम है वो डन हो चुका है। लेफ्ट साइड में दोस्तों आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, ये बन चुका है। बट अब इसको भी कवर नहीं किया है, इसको ये भी हो जाएगा। और ये वाला जो नीचे रोड रहने वाला है, ये 6 लेन का रोड यहाँ पर रहने वाला है। और ऊपर दोस्तों 6 लेन का DDE यानी कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे रहने वाला है। यहाँ पर गर्डर्स को फिक्स करने का काम हो चुका है और अभी यहाँ पर भी चल रहा है दोस्तों, एक गर्डर्स यहाँ पर और रखा जाएगा। तो नीचे वाला जो रोड है अभी इसका रिकन्स्ट्रक्शन होगा, काफ़ी ख़राब अभी ये रोड है इस टाइम, तो काफ़ी चौड़ा यहाँ पर रोड ये हो जाएगा बिकॉज काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पर। तो टोटल दोस्तों 12 लेन का ये रहेगा, 6 लेन दोस्तों लोकल ट्रैफिक के लिए और 6 लेन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे एक्सेस कंट्रोल जो रहने वाला है। तो आगे जाके इसका इंटरचेंज जो मंडोला विहार पर मिलेगा आपको। और दोस्तों जो अभी इंटरचेंज पीछे गया है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, वो आपका टोल गेट के पास रहने वाला है, जो टोल टैक्स बनाया जा रहा है सवापुर गाँव के पास। तो वहाँ पर दोस्तों आप इंटरचेंज कर सकेंगे, एक्सप्रेस वे के लिए आप एंट्री भी ले सकेंगे और आगे आपको इंटरचेंज मिलेगा मंडोला विहार, उसके बाद ईस्टर्न फेरी फेरल। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर की तरफ फ्लोरिंग का जो काम है इस एक्सप्रेस वे का यहाँ पर डन हो चुका है और काफ़ी लंबे स्ट्रेच में यहाँ पर फ्लोरिंग का काम कम्प्लीट कर लिया गया है। सो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो ऐसी बहुत सारी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की एंड मैनी अदर्स। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारा काम यहाँ पर हो चुका है फ्लोरिंग का और आगे भी काफ़ी काम हुआ है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो एंड तक दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों फ्लोरिंग का काम और यहाँ से आगे इन वाले पिलर के ऊपर गर्डर्स को जो फिक्स करने का काम है वो कंप्लीट हो गया है और आगे भी पिलर की जो कैपिंग है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो बीच में अब कुछ ही पिलर ऐसे बचे हुए हैं जिनको अब एक्सटेंड करना है, जिनकी पियर कैपिंग को एक्सटेंड करने का काम बचा हुआ है। अदरवाइज़ काफ़ी सारा काम इस वाले रोड पर हो चुका है पावी से लेकर मंडोला विहार तक। तो यहाँ पर ये देखिए, इस वाली जो पियर कैपिंग है इसकी आर्म्स को एक्सटेंड करने का काम यहाँ पर चल रहा है और ये वाली भी, ये देखिए ये वाला पिलर जो है और आगे जितने भी पिलर हैं उनकी जो पियर कैपिंग है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। सो कल ही दोस्तों मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें ये लिखा था कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का फेज़ वन का काम जो अक्षरधाम से लेके ईस्टर्न फेरी फेरल तक रहने वाला है, उसका काम मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और इस एक्सप्रेस वे को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, जो एक्सप्रेस वे का पार्ट है दिल्ली यूपी बॉर्डर से आगे की तरफ वो भी बन के तैयार हो चुका है। उसका जो कंप्लीट वर्क है पट्टी लगाने से लेकर और जो साइड पैनल तक का वो भी हो चुका है और उसके बाद सवापुर से लेके ईस्टर्न फेरी फेरल तक का भी जो दोस्तों एक्सप्रेस वे का ग्राउंड फील्ड का वर्क है वो भी डन हो चुका है। तो अब दोस्तों हम यहाँ का काम देखते हैं। तो अभी यहाँ आपने देखा होगा यहाँ पर जितने भी पियर हैं उनकी पियर कैपिंग का काम डन हो चुका है। तो यहाँ पर अभी ड्रेनेज सिस्टम और डिवाइडर का काम बचा हुआ है। सो लेट्स सी दोस्तों, 4 महीने में ये बन के तैयार होता है या नहीं होता है जो एक्सप्रेस वे फेज़ वन का रहने वाला है अक्षरधाम से लेके ईस्टर्न फेरी फेरल तक। तो मार्च 2024 की डेडलाइन है इसकी और दोस्तों कम्प्लीट एक्सप्रेस वे दिसंबर 2024 तक बन के तैयार हो जाएगा। सो अभी दोस्तों हम ट्रोनिका सिटी से काफ़ी पहले हैं और आप यहाँ पर भी देखेंगे इन पेयर के ऊपर गर्डर्स को फिक्स करने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर कुछ पार्ट में फ्लोरिंग का काम भी डन कर लिया गया है। तो जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था अब यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। सो काम करने की स्पीड तो दोस्तों काफ़ी अच्छी है। तो होप दोस्तों टाइम से ये बन के तैयार हो जाएगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से एक लंबे स्ट्रेच में गर्डर्स को फिक्स करने का काम भी कंप्लीट हो गया है।
सो यहाँ पर देखिए, इस जगह भी फ्लोरिंग का काम पहले ही कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बनके तैयार हो गया है और राइट साइड में देखिए डिवाइडर का जो भी काम है वो भी यहाँ पर कर लिया गया है। सो बहुत जल्द यहाँ पर भी फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये देखिए यहाँ पर गर्डर्स को फिक्स करने का काम यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ से आगे फ्लोरिंग का जो काम है वो कर लिया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह फ्लोरिंग का काम अभी चल रहा है। तो अभी यहाँ पर कंक्रीट डाला जा रहा है फ्लोरिंग के लिए। तो इस जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारी मिट्टी डाली हुई है। तो इस मिट्टी को ये डिवाइडर के अंदर डाला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर प्लांटेशन भी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर फ्लोरिंग का जो काम है वो डन हो चुका है। तो ये दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी यहाँ पर फ्लोरिंग का काम डन हो चुका था और यहाँ पर डिवाइडर भी बन के तैयार हो गए हैं और यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया गया है। सो अब हम पहुंचने वाले हैं दोस्तों मंडोला विहार। तो ये देखिए यहाँ पर इस जगह, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाला है, बिकॉज यहाँ पर दिया जाएगा आपको एक इंटरचेंज। तो आप देखिए बीच वाला जो पार्ट है वो है एक्सप्रेस वे का और उसके साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है दोस्तों पियर कैपिंग जो एग्जिट के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर में आपको क्लियर समझाऊँगा किस जगह से आपको एग्जिट और किस जगह से आपको एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर डबल डबल एग्जिट और एंट्री मिलने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रैंप बन के तैयार हो चुका था काफ़ी पहले। इलेक्ट्रिक पोल यहाँ पर लगा दिए गए हैं और ये वाली जो सर्विस रोड है काफ़ी पहले यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी थी। तो इस जगह से यहाँ से आप एग्जिट ले सकेंगे। तो ये है दोस्तों, ये रैंप यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगाया हुआ है, तो इस जगह से आप एग्जिट ले सकेंगे और बीच में यहाँ पर डिवाइडर बना दिया गया है। तो अभी दोस्तों हम आगे चलते हैं, फिर उसके बाद में आपको यहाँ की कंप्लीट एंट्री एग्जिट की लोकेशन बताने वाला हूँ। सो यहाँ से आप कैसे एंट्री एग्जिट ले सकेंगे। तो एक एंट्री तो दोस्तों आपको यहाँ से मिल जाएगी इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। तो ये दूसरा रैंप स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये पूरा मंडोला विहार के एरिया में इसको ग्राउंड फील्ड पर बनाया गया है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर मंडोला विहार परियोजना के तहत जो फ्लैट बनाए गए हैं तो पूरी सोसाइटी यहाँ पर बनी हुई है, उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जिट और एंट्री दी गई है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोबारा से प्लर के ऊपर आता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो ये देखिए यहाँ पर इस जगह फ्लोरिंग का जो काम है वो हो चुका है जो लास्ट टाइम नहीं हुआ था। सारे दोस्तों यहाँ पर गर्डर फिक्स हो चुके हैं, सारी पियर के ऊपर प्लर कैपिंग का काम डन हो चुका है और काफ़ी आगे तक यहाँ पर ये काम कम्प्लीट हो गया है फ्लोरिंग का। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ ये जो डिवाइडर बनाया जा रहा है अब उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। We'll be right back.
सो यहाँ तक हो गया है दोस्तों फ्लोरिंग का काम। इसके बाद यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है और जल्द यहाँ पर भी फ्लोरिंग का काम अब स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखिए आप सपोर्ट यहाँ पर लगा दी गई है। अभी दोस्तों यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम नहीं हुआ है, दोनों ही साइड यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम भी किया जाएगा। और काफ़ी आगे तक दोस्तों यहाँ पर ये देखिए स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। सो बहुत ही जल्द यहाँ पर अब फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ से आगे एक लंबे स्ट्रेच में फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। सो अब दोस्तों हम वापस चलते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट एंट्री और एग्जिट कैसे आपको लेनी होगी वहाँ से, अगर आप यहाँ से नियर बाय हैं तो। सो एक एग्जिट दोस्तों आपको इस जगह से मिल जाएगी लेफ्ट साइड से। यहाँ पर भी ये जो आप बीच वाले पिलर देख रहे हैं एक्सप्रेस वे के, इसके साइड में दोस्तों एक और पिलर बनाए गए हैं जो एग्जिट के हिसाब से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप एग्जिट ले सकेंगे अगर आप देहरादून की साइड से आते हैं तो। सो देखिए दोस्तों आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं पिलर जिनके ऊपर पियर कैपिंग का काम हो चुका है। तो यहाँ पर आपको टू लेन की एक एग्जिट मिल जाएगी और आगे वो रैंप से कनेक्ट हो जाता है। तो ये वाला दोस्तों स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है, यहाँ की फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए दोस्तों एक्सप्रेस वे के साथ साथ यहाँ पर अब डिवाइडर का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर डिवाइडर बन के तैयार हो चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से वैसे दोस्तों एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। सो यहाँ से दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ, इस रैम के थ्रू आप अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आते हैं तो ये देखिए दोस्तों इस डिवाइडर के राइट साइड में आप देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये एग्जिट का होगा। और इस तरफ से देखिए यहाँ से ये देखिए ये जो डिवाइडर यहाँ पर बना हुआ है बीच में अभी, तो इसको और कंप्लीट किया जाएगा। और आगे ये देखिए यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी अगर आप सहारनपुर या देहरादून की साइड जाना चाहते हैं। तो ये होगी दोस्तों एक एंट्री। सो अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, यहाँ से ये वाला जो पार्ट रहने वाला है बीच वाला ये है एक्सप्रेस वे का पार्ट। तो यहाँ पर अभी डिवाइडर को कम्प्लीट किया जाएगा। तो ये बीच वाला एक्सप्रेस वे का पार्ट है और राइट साइड में एग्जिट के लिए मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ से आप इस एक्सप्रेस वे से लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दोस्तों इस जगह से यहाँ से ये सर्विस रोड जाएगी, उसके बाद यहाँ पर आगे जाके आप एंट्री ले सकेंगे इस एक्सप्रेस वे पे अगर आप अक्षरधाम की तरफ जाना चाहते हैं। तो यहीं पे दोस्तों इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।